हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पेंसिल अपने पास कितने तरह की होती हैं ड्राइंग करने वाली। तो ये जो दो पेंसिल हैं मेरे पास नटराज की हैं, ये हैं नॉर्मल पेंसिल्स। ठीक है, आप इस पे देख भी रहे हैं कि HB लिखा हुआ है इस पे। तो ये नॉर्मल पेंसिल होती है जिससे हम लाइट लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ड पेंसिल होती हैं, और ये जो ग्रीन से कलर की है ये है मेरे पास बी कैटेगरी की पेंसिल, जिसको हम शेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये है मेरे पास अप्सरा की H क्वालिटी की पेंसिल जो हार्ड मानी जाती है। इसकी कैटेगरी H से लेके 4H तक मेरे पास अवेलेबल। ये देखिए इसके कितने शार्प एजेस हैं। इसको मेनली आर्किटेक्ट बंदे यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ होती है जब इसे मान लीजिए मैंने कोई लाइन ड्रा कर दी और उसको मिटा के उसके जो एजेस होते हैं वो बने रहते हैं वहाँ पे शीट के ऊपर, तो इससे उसको उनको रेफरेंस मिल जाता है कि अपने को कहाँ पे ड्रा करना है। ये देखिए कितने शार्प एजेस हैं इसके। ये लाइट ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है अप्सरा की, काफ़ी अच्छी पेंसिल है ये। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है बी कैटेगरी की पेंसिल्स, इसको सॉफ्ट पेंसिल भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है। ये देखिए, ये स्टार्टिंग इसकी होती है 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। जो 10B की पेंसिल होगी वो देखिएगा, मैं आपको चारकोल दिखाता हूँ उसके आगे। ये देखिए इसका चारकोल कितना अच्छा है शेडिंग के लिए, ये पतले से मोटा हो जाता है आगे जाके। 2B के पेंसिल का जो एजेस है ये देखिए कितना ब्रीक है, और 10B का कितना मोटा है। उसका बेनिफिट यही है, मेनली इसको शेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हम लिखने के यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, 2B वाली पेंसिल को हम नॉर्मल की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 10B की पेंसिल है हमेशा अपनी शेडिंग के लिए यूज़ होगी। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है ये। आपको जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको इसकी क्वालिटी का पता चलता जाएगा। यदि आप बिगनर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं शेडिंग की, तो आप HB की जो नॉर्मल पेंसिल है उससे स्टार्टिंग कीजिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि शेडिंग लाइट से डार्क में हम कैसे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँ। धन्यवाद।